आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आज अंतिम दिन नामांकन पत्र जमा करने दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचे अमित जोगी, साथ ही सभी 6 विधानसभा से प्रत्याशियों ने जमा किया अपना आवेदन। राजनीति की उठा पटक के बाद सोमवार को नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम दिन दुर्ग कलेक्ट्रेट परिसर में फार्म जमा कराने वालों का जनसैलाब नजर आया। बड़ी संख्या में पहुंचे प्रत्याशियों ने अपने अपने समर्थकों के साथ नारेबाजी करते हुए नामांकन पत्र जमा किया। इसी कड़ी में उषा बारले ने दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुँच विजय बघेल का नामांकन पत्र जमा कराया। अभी अंदर जाएंगे क्या आप? इस दौरान राजनीतिक गलियारों में छत्तीसगढ़ की सबसे हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट पर अब अमित जोगी द्वारा चुनाव लड़ा जा रहा है, जिसके चलते अब पाटन विधानसभा सीट पर बेहद ही त्रिकोणी मुकाबला होने जा रहा है। इसके चलते अब एक तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो दूसरी तरफ विजय बघेल। इस दौरान अमित जोगी ने मीडिया से बातें साझा करते हुए कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, पाटन की जनता चुनाव लड़ रही है, और आगे दोनों ही पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये दोनों चाचा भतीजे की सेटिंग का खेल अब खत्म हो जाएगा, जिसका जवाब पाटन की जनता देगी। नामांकन भरा है, थोड़ा शांत रहो भाई। ये चुनाव मैं भूपेश के खिलाफ नहीं, भैया थोड़ा जोर से बोलो, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूँ। ध्यान देंगे यह चुनाव नामांकन पत्र प्राप्त प्रस्तुत करने की समय सीमा दाऊ परिवार 3 बजे तक है, ताकि गरीब अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़ा वर्ग के लोगों के अधिकार नामांकन पत्र प्रस्तुत करना है। मैं तो केवल चेहरा हूँ, प्रत्याशी तो पाटनवासी, प्रत्याशी तो पीएससी घोटाला पीड़ित है, आवास पीड़ित है, भ्रष्टाचार पीड़ित है, वादा खिलाफी पीड़ित है, नियमितीकरण पीड़ित है, शराबबंदी पीड़ित है। मैं तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध इन सभी पीड़ितों का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। मेरे पास सेफ सीट से जीतने के कई और विकल्प थे, मैं चाहता तो 2 सीटों से भी लड़ सकता था, लेकिन मैंने अकेले ही पाटन से ही लड़ने का निर्णय पाटन वासियों के कहने पर लिया है। मैंने पिछले 1 महीने लगातार पाटन में जनसंपर्क किया, जनसभाएं की, और वहां जो प्यार मिला, जो लोगों का आशीर्वाद मिला, उससे मैं अभी भी, मेरे आने के बाद पाटन में पहली बार चुनाव होगा। अभी तक तो पिछले 23 साल तो एक ही परिवार के चाचा भतीजा के बीच की सेटिंग चलती रही, चुनाव तो अब होगा। पाटन में परिवर्तन तय है, जीत पाटन वासियों की भी होगी। कि मैं एक बुरी सी बुरी कांग्रेस सरकार पसंद करूंगा बनिस्बत की एक अच्छी भाजपा सरकार, जो मेरा डीएनए है, इस जन्म में नहीं 7 जन्मों में भी एनडीए के साथ नहीं मेल खा सकता। जानकारी थोड़ी सी गलत है, हमने 3 सीटें छोड़ी हैं, एक रणनीति के अंतर्गत छोड़ी हैं। हमारे प्रदेश में कुछ आंचलिक पार्टियां हैं, मैंने हमेशा से कहा कि मैं सबको साथ लेके चलना चाहता हूँ। जो गैर कांग्रेसी गैर भाजपाई वोट है वो विखंडित रहा, इसलिए जो आंचलिक पार्टियाँ हैं अभी बस्तर में, वहाँ सर्व आदिवासी समाज ने उनको परिवार चाहिए या अपना अधिकार चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, मेरी लड़ाई भूपेश जी के खिलाफ नहीं है, अमित जोगी की लड़ाई ना कांग्रेस के खिलाफ है ना भाजपा के खिलाफ है, मेरी लड़ाई तो केवल और केवल गरीबी के खिलाफ है। वही में बहुत गरीब है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।